बाबा सिद्दीकी की मौत से उनके पैतृक गांव में पसरा सन्नाटा। माझा प्रखंड के शेख टोली गांव के रहने वाले थे बाबा सिद्दीकी जी। मैं मोहम्मद गुफरान, बाबा सिद्दीकी का भतीजा। मैं गांव में था रात के करीब में, और मेरे मोबाइल जो है घर पे छूट गया था। जब मैं गांव से वापस आया तो मेरा मोबाइल पर लगातार फ़ोन आ रहे थे, कॉल बज रहे थे। मैंने जब फ़ोन रिसीव किया तो मुझे पता चला कि आपके जो अंकल हैं बाबा सिद्दीकी, उनकी जो है अपराधियों के द्वारा जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो मुझे शॉक लग गया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये घटना जो है सच्ची है या पक्की है। लेकिन पूरे घर में चीख पुकार का माहौल छा गया। मैं जो है तुरंत जो है मुंबई के लिए कॉल लगाया। कॉल लगाने के बाद जो है दो चार कॉल तो कोई रिसीव नहीं कर रहा था वहाँ पे, लेकिन लास्ट में जो है मेरी फूफी जो वहाँ रहती हैं वो कॉल रिसीव की। रिसीव करने के बाद उन्होंने बताया कि हाँ, ये घटना जो है सच्ची है, अपराधियों द्वारा जो है मार करके, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। महाराष्ट्र के जाने माने व कद्दावर नेता व बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की बॉलीवुड में अपराधियों ने जहां गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी, वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं इस घटना के बाद बाबा सिद्दीकी के पैतृक गाँव गोपालगंज जिले के माझा शेख टोली में भी मातम पसर गया है। बाबा सिद्दीकी के पैतृक घर माझा शेख टोली में लोगों की भीड़ जमा हो गई है। बताया जाता है कि माझा के शेख टोली निवासी बाबा सिद्दीकी के पिता अब्दुल रहीम दशकों पहले नौकरी के तलाश में मुंबई चले गए। वहां उन्होंने घड़ी बनाने का काम करने लगे। बाबा सिद्दीकी का जन्म मुंबई में ही हुआ। वे तीन भाई थे। एक भाई का नाम रियाज सिद्दीकी और दूसरे भाई का नाम अजीत सिद्दीकी था। बाबा सिद्दीकी अपने सभी भाइयों में सबसे बड़े थे। वे बचपन से मेधावी छात्र रहे और वे छात्र जीवन से ही नेतागिरी करना शुरू कर दिए। बाबा सिद्दीकी पहली बार कांग्रेस से विधायक बने और दूसरी बार जगह बनाकर महाराष्ट्र में मंत्री बन गए। सिद्दीकी का लगाव अपने पैतृक गांव माझा शेख टोली से हमेशा रहा है। वे वर्ष 2022 में गांव आए थे और यहां अपने पिता अब्दुल रहीम मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से संस्था बनाकर बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा के लिए सेंटर खोला। माझा के शेख टोली निवासी बाबा सिद्दीकी के भतीजे मोहम्मद फुरकान, साहबू, नेशा और ग्रामीणों ने बताया कि बाबा सिद्दीकी के एक बेटे और एक बेटी है। बेटा महाराष्ट्र में बांद्रा वेस्ट से कांग्रेस विधायक है। उनकी बेटी डॉक्टर है। बाबा सिद्दीकी 35 साल से कांग्रेस से जुड़े रहे। इधर 8 माह पूर्व ही उन्होंने एनसीपी ज्वाइन किया था। बहरहाल बाबा सिद्दीकी की हत्या के वजह से जहां पूरा देश मरमाहत है, वहीं उनके पैतृक गांव में भी मातम का माहौल है। जी, मैं मोहम्मद गुफरान, बाबा सिद्दीकी का भतीजा। मैं गांव में था रात के करीब में, और मेरे मोबाइल जो है घर पे छूट गया था। जब मैं गाँव से वापस आया तो मेरा मोबाइल पर लगातार फ़ोन आ रहे थे, कॉल बज रहे थे। मैंने जब फ़ोन रिसीव किया तो मुझे पता चला कि आपके जो अंकल हैं बाबा सिद्दीकी, उनकी जो है अपराधियों के द्वारा जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो मुझे शॉक लग गया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये घटना जो है सच्ची है या पक्की है। लेकिन पूरे घर में चीख पुकार का माहौल छा गया। मैं जो है तुरंत जो है मुंबई के लिए कॉल लगाया। कॉल लगाने के बाद जो है दो चार कॉल तो कोई रिसीव नहीं कर रहा था वहाँ पे, लेकिन लास्ट में जो है मेरी फूफी जो वहाँ रहती हैं वो कॉल रिसीव की। रिसीव करने के बाद उन्होंने बताया कि हाँ, ये घटना जो है सच्ची है, अपराधियों द्वारा जो है मार करके, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। कितनी बार विधायक बन चुके हैं, मंत्री रहे हैं बाबा सिद्दीकी जो है? 3 बार के विधायक और 1 बार मंत्री रहे हैं। 1999, 2004 और 2009 में जो है वो जो है विधायक रहे हैं, उसके बाद जो है वो मंत्री रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की एक बेटे और एक बेटी है। बेटा का नाम जो है जिशान बाबा सिद्दीकी है, जो बंदा ईस्ट से अभी जो है सिटिंग एमएलए हैं, और लड़की जो है आर्शिया सिद्दीकी, जो अभी डॉक्टर हैं। बाबा सिद्दीकी एक कद्दावर नेता थे, राष्ट्रीय लेवल के नेता थे, और उनकी हत्या होना एक राष्ट्र के लिए मतलब एक बहुत बड़ी क्षति है। और वैसे व्यक्ति का स्थान लेना, वैसे व्यक्ति की हत्या कर देना, अभी भी हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है कि वैसे व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, जो एक पॉलिटिकल व्यक्ति के साथ साथ एक बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति भी थे, जो हमेशा महाराष्ट्र से लेकर के बिहार तक के बच्चों के लिए एजुकेशन के, हेल्थ के और स्पोर्ट्स के बारे में हमेशा सोचा करते थे, और आपसी सद्भाव में बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे। महाराष्ट्र सरकार की ये बहुत बड़ी ये है, चूक है कि उस वैसे नेता की हत्या वहाँ पे महाराष्ट्र में कर दी गई है, और एक ऐसे दिन पे उनकी हत्या हुई है जो कि बिल्कुल ही
पटाखों की आवाज के बीच में एक प्लांड वे में एक जैसे फिल्मों में जैसे कि हत्याएं होती हैं उस तरीके से हमें ऐसा लगता है कि प्लांड वे में जो पटाखों के बीच में पूरा मुंबई ये हो रहा था उसी बीच में उनकी हत्या कर दी गई ताकि किसी को एहसास ना हो कि कहीं गोली की फायरिंग की आवाजें आवाज का एहसास हो सके और एक सुनियोजित साजिश के तहत ही उनकी हत्या की गई है। क्या नाम है? मेरा नाम शाह आलम है।